ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 14 प्रवचन 1 दरिया शाह की महिमा पार्ट 2। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में एक प्रसंग सुनाया। सखर जिले के अंतर्गत इज़मत गांव में एक हृदाराम नामक दरिया शाह का भक्त रहता था। उसे 4 कन्याएं थी किंतु पुत्र रत्न नहीं था, जिस कारण वो हमेशा व्याकुल रहता था। उसकी ऐसी दशा देखकर घर के सदस्यों ने उन्हें कहा कि भाई आप घबराओ नहीं, यहाँ पास के गांव में एक पीर रहते हैं, अगर आप उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो आपको पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। घर के सदस्य बार बार उन्हें वहां जाने के लिए दबाव डालते थे। हृदाराम कहते कि मैं दरिया शाह को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाऊंगा। वो सोचता कि पुत्र अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे से कुछ मांगे तो उसमें पिता का ही अपमान है। हाँ, यदि मुझे दरिया शाह पुत्र रत्न ना दें तो फिर मैं किसी दूसरे पिता को पूजूं। घर के सदस्यों ने बहुत समझाया, यहाँ तक कि हृदाराम की पत्नी ने कहा कि दरिया शाह से पुत्र संतान लेकर दीजिए या फिर पीर यानी मुस्लिम धर्म वाले के पास चलिए। ये सुनकर हृदाराम ने नम्रता पूर्वक घर वालों से कहा, आप मुझे 3 दिनों की मोहलत दीजिए, यदि 3 दिनों के भीतर मुझे दरिया शाह ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया तो फिर आप सब जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हृदाराम को अब 3 दिनों की मोहलत मिली। हृदाराम का नियम था कि शहर में जो गाय भैंस बकरी आदि के पानी पीने के लिए जो हौज रहते थे वो उसे प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल साफ करके भरता था। एक दिन प्रभात के समय वो हौज भरने के लिए आया, उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पानी भरकर उस हौज के ऊपर खड़ा होकर बड़े आर्त स्वर में दरिया शाह से प्रार्थना करने लगा। हे दरिया शाह, मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरे गुरु मेरे भगवान भी आप ही हो, जो भी मेरे मनोरथ हैं वे सब आपने पूर्ण किए हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए घर पर सब पीर के पास चलने के लिए कह रहे हैं, परंतु मेरा मन किसी अन्य पीर के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, आप ही कृपा करें। हृदाराम ने 2 दिन बड़े आर्त स्वर में प्रार्थना की पर कुछ जवाब नहीं मिला। 3रे दिन प्रभात के समय फिर रोकर आत्मनिवेदन किया, साईं आज मेरा ये अर्ज मंजूर कर दीजिए, किसी न किसी तरह आप कृपा करिए, नहीं तो मेरे रिश्तेदार मुझे पीर के पास ले जाएंगे। इस प्रकार जब हृदाराम आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था तो उसकी झोली में अचानक कुछ गिर पड़ा। उसने आंखें खोलकर देखा तो झोली में एक मिश्री का ढेला पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे प्रसन्नता हुई, उसे विश्वास हुआ कि ये दरिया शाह का ही प्रसाद है, अर्थात संतान की ही निशानी है। वो प्रसन्नता पूर्वक घर लौटा और अपने रिश्तेदारों एवं धर्म पत्नी को प्रसाद दिखाया। उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक मिश्री खाई और पूरे 9 महीने बाद उसे पुत्र संतान हुआ, जिसका नाम भिक्चंद रखा गया। भिक्चंद के भी पुत्र हुए जिसका नाम था भगवान दास। भगवान दास को खानचंद नामक पुत्र हुआ और वे जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में बड़े कुटुंब सहित निवास कर रहे हैं। हृदाराम के कुटुंब पर ये सारी कृपा दरिया शाह की ही हुई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।